बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली एंड फ्रेंड्स व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नाजूस किचन। आज हम बहुत एक डिफरेंट चटनी बना रहे हैं, जैसे हम चने की चटनी कहेंगे, जिसे मुख्तलिफ पराठों के साथ जो है वो नोश फरमा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर वन छोटा बाउल जो है वो रोस्टेड चना है। ठीक है, दाढ़ी है जिसे हम लोग अमूमन मेमन लैंग्वेजेस में कहते हैं। तो हमने यहाँ पर चने लिए हैं। ठीक है, अदरक के हमारे पास 3 पीसेज हैं। हमने यहाँ पर किशमिश ऐड की है, 12 से 15 किशमिश हमने लिए हैं। हरी मिर्ची हमारे पास हैं 4 से 5। साबित लाल मिर्च हमारे पास 3 अदद। 1 टीस्पून हमारे पास यहाँ पर सौंफ है। हरा धनिया हम ऐड करेंगे यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून जितना है। 2 टेबल स्पून हम कोकोनट मिल्क ले रहे हैं, अगर आप चाहें तो पिसा हुआ खोपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वन टेबल स्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून यानी हमने यहाँ पे आधा चम्मच नमक का डाला है। बाद में आप ज़्यादा अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम लेमन ऐड करेंगे इसके अंदर, 3 कलियाँ हम लहसुन की ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। बल्कि इसको आप छुरी से कट कर लें ताकि इजीली ग्राइंड हो जाए। और सबसे आखिर में हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर और थोड़ा सा पानी, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी ग्राइंड हो गई है, इसको हम जो है डिश में आउट कर लेंगे। हमारी आज की चने की चटनी की रेसिपी, होप आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी रेसिपी के साथ आकर आपसे मिलूंगी। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।